नहीं हो रहा है, आप लोग भी आते कर लीजिए। सोने का बिंदी लगा रहे हैं सीता जी को। हाँ, बैठेगा कि नहीं? देखिए देखिए, वही सोने का बिंदी है, भैया जी लगा रहे हैं सीता माता को सोने का बिंदी। देखो देखो, माता जी का ये बिंदी लगा रहे हैं और इन लोग का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। देखिए कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, कितने अच्छे से सजाए गए हैं राम जी। अयोध्या लग रहा है ऐसा कि पूरा दुनिया में मंदिर कुछ थोड़ा मार्केट से था ये मंदिर से। अब पूजा आरती हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब हम अपने रूम पे जा रहे हैं। आप लोग जाते जाते एक बार देखिए राम जी कितने प्यारे दिख रहे हैं। देख लीजिए राम जी प्यारे, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी, और इधर देखिए बजरंग बली, उधर माता है, इधर भी माता है। देखिए शंकर भगवान का स्थापना है, धन्य हो गए मैं चरण स्पर्श करके। और ये बजरंग बली इनको तो हम लोग छू नहीं सकते हैं, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ पास में, आप लोग दर्शन कर लीजिए दूर से ही। बहुत प्यारा मंदिर सजाया गया है कल, जो कि और ज़्यादा अच्छे सजाया गया, तो अभी तो कम सजाए हुए हैं लेकिन कल और ही प्यारा सजाएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम भवन। सुने ही नहीं, देखे ही नहीं, बघा अजून खूप हसायचं आहे। आता तुम्हाला समजलं असेल की भाऊजींचे काहीतरी असे प्रश्न वेगळे आहेत जे आपल्याला फसवतायत, परंतु आता तसं काही फसव बसवी नाहीये। पुढचा प्रश्न आहे, मला सांगा महाभारत कोणामुळे घडलं? महाभारत किसकी वजह से हुआ? हा त्या ताई, लगेच द्यायचं त्यांना, उठवा उठायचं ताई ना, त्या उठवा उठवा, बोला माइक समोर दे त्यांच्या। महाभारत द्रौपदी मुळे घडला। अरे बापरे, चुकी चालू, महाभारत द्रौपदी मुळे घडला, अजून कोण? तुम्ही काय सांगितलं असतं वहिनी? नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम मंदिर से दर्शन पूजा करके हम घर की तरफ जा ही रहे थे कि हम लोग देखें कि यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा था, जो कि जय श्री राम जी का कुछ काम जैसे पूजा पाठ हो रहा था, वो भी मराठी लोग हैं जो कि महाराष्ट्री हैं, ये लोग अपनी भाषा में कर रहे थे। मैं म्यूजिक बंद की हूँ क्योंकि जानते हैं कि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं म्यूट कर दी हूँ। मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोग को बता रही हूँ कि देखिए कितने अच्छे से लोग मना रहे हैं, ऑल इंडिया में सब लोग मना रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय कहने मतलब कि बताइए काश ये लोग वहाँ रहते तो क्या होता। अयोध्या नगरी पास में रहता तो पूरी दुनिया टूट पड़ती, मानो कि जो लोग पहुंच सकते हैं वही लोग पहुंचे, बाकी पूरी पब्लिक नहीं पहुंची है।
नहीं तो वहाँ क्या होता है हम तो सोच के देख रहे हैं, क्योंकि गली गली में सजावट हुआ है, छोटे छोटे मंदिरों पे सजावट हुआ है, जहाँ देखो वहाँ सजावट है कि बस जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जिसके जुबान पे सुनो बस जय श्री राम जय श्री राम। तो धन्य हम लोग और हम लोगों के जैसे पब्लिक यानी कि पूरी दुनिया कि हम लोग को 2024 में दो दो बार दिवाली मना रहे हैं, दो दो बार। हम लोग इतने अच्छे किस्मत वाले, इतने अच्छे हैं कि हम लोग दो दो बार दिवाली मनाएंगे इस बार, बताइए। तो चलिए दोस्तों, जो मुझे जहाँ तक सूट करना होता है मैं कर लेती हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं सही करती हूँ या गलत, लेकिन जैसा भी करती हूँ आप लोग प्लीज़ दोस्तों देखा करो, प्यार दुलार सपोर्ट किया करो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। आप लोग बड़ा वीडियो देखते नहीं हैं, जो कि दोस्तों मुझे इन लोग का भाषा थोड़ा बहुत सी समझ में आता है, क्योंकि ये लोग महाराष्ट्री हैं, हम लोग को इनका भाषा नहीं समझ में आता। लेकिन देखो क्या तरीके से सजाए हैं, क्या स्टाइल में नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब लोग राम जी के भक्ति में झूमे हैं, एकदम भक्त, एकदम पक्के वाले भक्त। दूसरे वीडियो में मिलती हूँ।